ताकि लूरे कतना गए चिरागे ओकरा बात चिराग के पिताजी जन्म दिए हूँ चिरागे कुछ भूल गए हैं, ये कैसा बात हो गया, ये तो घोर अन्याय है। ओकरा ओकर चाचा को बुझने उझने के लिए कुछ होना आता है, मंत्री बन गए उसके रामविलास पासवान चिराग पासवान क्यों ऐसे वो युवा नेता है। अच्छा युवा नेता है। यस अच्छा युवा नेता नहीं है ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि हाजीपुर में बहुत काम कर रहे हैं। काम कर रहे इससे कोई मतलब नहीं रखता, वो युवा नेता अभी बिहार में युवा गुजरा चिराग पासवान चाचा नहीं उनको लोग अधिकांश लोग जानते ही नहीं है। अच्छा हाँ तो चिराग जो है वो उभरते हुए नेता है, युवा नेता है। तो पशुपति के हम नहीं जानते, हम चिराग को जानते हैं। चिराग पशुपति के क्या कौन जाता था, ये अभी रामविलास पासवान जो डेट करने से पहले मरने से पहले आए पर थोड़ा सा उनको टीका चंदन लगा दिए और उनके नाम से जीत गया पशुपति। 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है, इसको लेकर के कल 17 तारीख को जहाँ एक तरफ महागठबंधन की बैठक होने वाली है बेंगलुरु में, तो दूसरी तरफ परसों यानी 18 तारीख को एनडीए की बैठक होने वाली है। और चाचा भतीजा जो कि चिराग पासवान के पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में ठनी हुई है, देखना यह है कि एनडीए में चाचा शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हम मौजूद हैं पटना के लोगों के बीच। और उन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि पशुपति पारस को लोग पसंद करते हैं या युवा चेहरा चिराग पासवान को लोग पसंद करते हैं, क्या कहिएगा चाचा किसको पसंद करते हैं? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों? सुविधा है, नेता है, अच्छा नेता है। सब उनका चाचा पशुपति कुमार पारस सब ठीक है मतलब अच्छा चिराग है। अच्छा आप किसको पसंद करते हैं? चिराग पासवान को। चिराग पासवान अच्छा नेता है। हाँ उसका बाप के उसका बाप कितना विकास किया है। पशुपति पारस उसका हम वैल्यू नहीं देते हैं, बाकी उसका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं उसका का वैल्यू है इसलिए कि उसका बाप पूरा विकास का काम किया हाजीपुर में। अच्छा। रेल मंत्री था। आई नहीं किए हैं चाचा? चाचा क्या करेगा, कुछ नहीं कर रहे हाजीपुर में। हाजीपुर में अब समय आएगा तब न करेगा। अच्छा चाचा कुछ नहीं कर रहे हैं पशुपति? वो सबका नहीं, जिसका जिस जो आगे काम करा उसी का नाम नहीं होता है। अच्छा, क्या कहिएगा बाबू, आप लोग युवा है पसंद कौन है, पशुपति पारस या चिराग? चिराग पासवान पसंद है। चिराग पासवान क्यों पसंद है? क्योंकि वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, वो बिहारी को तहजीब देते हैं। हम लोग नीतीश कुमार को भेजे हैं और वो डोमिसाइल लागू कर दिए हैं जो कि बहुत दिक्कत हो रहा है। चाचा कह रहे हैं कि चाचा तो चिराग को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। चाचा के लूरे कतना गए चिरागे ओकरा बात चिराग के पिताजी जन्म दिए हूँ चिरागे कुछ भूल गए हैं, ये कैसा बात हो गया, ये तो घोर अन्याय है। ओकरा ओकर चाचा को बुझने उझने के लिए कुछ होना आता है, मंत्री बन गए उसके रामविलास पासवान के दम पे। अपना ही चाचा जो है घर तोड़ के पार्टी तोड़ के अलग हो गए। हाँ वो अपने चाचा उसका घर तोड़ दिए हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान को हम पहचानते नहीं है। यदि चिराग पासवान को नहीं पहचानते हो तो रामविलास कौन तुम्हारा? पासवान मेरा खून नहीं है। वो तो ये तो उसको पता होगा कि उसके डीएनए में कौन किसका खून बहता है। क्या चाचा बोल रहे हैं? उसका भतीजा नहीं है। कहते मेरा भतीजा नहीं, मेरा खून नहीं है। खून नहीं है चाचा ने बोला। खाली मतलब कि कुर्सी का लड़ाई है कि कुर्सी कुर्सी पर हम बैठ जाएं। प्रिंस में उसका खून है कि नहीं? प्रिंस में लग रहा हाजीपुर से चाचा भी लड़ेंगे और चिराग भी लड़ेंगे, कौन जीतेगा? वो चिराग का जितना तय है, हाजीपुर से चिराग का जितना तय है। पशुपति पारस कितना भी कोशिश कर ले, चाहे अमित शाह अपना चाणक्य नीति लगाते रह जाए, लेकिन वहाँ से चिराग पासवान ही जीतेंगे, ये कंफर्म हो गया। चिराग पासवान जीतेंगे। हाँ, कौन पसंद है आपको? चिराग पासवान। चिराग क्यों? ऐसे वो युवा नेता है। अच्छा युवा नेता है। यस। अच्छा युवा नेता नहीं है ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि हाजीपुर में बहुत काम कर रहे हैं। काम कर रहे इससे कोई मतलब नहीं रखता, वो युवा नेता अभी बिहार में युवा खोज रहा है, युवा नेता को खोज रहे हैं। चिराग चाहिए? चिराग। पशुपति पारस नहीं? नहीं, नाम भी चिराग है। आप क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान। चिराग पासवान चाचा नहीं? नहीं उनको लोग अधिकांश लोग जानते ही नहीं है। अच्छा हाँ तो चिराग जो है वो उभरते हुए नेता है, युवा नेता है, तो वो निकलेंगे ही। अच्छा ये बताइए सीएम के रेस में अगर एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ चिराग पासवान, किसको चुनिएगा? देखिए दोनों तो युवा ही नेता है। सीएम के रेस में किसको चुनिएगा ये बताइए? चिराग पासवान। चिराग पासवान। आप किसको चुनिएगा, चिराग या तेजस्वी सीएम का अगर चेहरा मिलेगा? हम तो अभी कुछ नहीं कह सकते नहीं, किसको, क्योंकि वह दोनों युवा है। अच्छा। अब युवा की तरफ अगर चिराग आएंगे तो चिराग को चुना जाएगा, अगर युवा की तरफ तेजस्वी आएंगे तो तेजस्वी को चुनेंगे। आप किसको चुनिएगा? हम लोग सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को देखेंगे और हाजीपुर के विधायक या सांसद के रूप में चिराग जी को देखेंगे। आप किसको पसंद करेगा चाचा सीएम में, चिराग या तेजस्वी? नहीं सीएम बनना चाहिए तो चिराग पासवान। चिराग पासवान हाँ, उमंग है अभी उसको। उमंग है। हाँ, काम करेंगे, काम बहुत बढ़िया करेगा। हाँ
और कुछ लोग इधर जानते हैं, युवा लोग है, अरे भाई भागिए मत। ये बताइए कि सीएम का अगर चेहरा अगर चिराग और तेजस्वी में हो तो किसको वोट दीजिएगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? युवा है अभी, इसीलिए। तेजस्वी तो चला रहे सरकार में। हाँ तो युवा है, चलेगा। बढ़िया बताइए कि हाजीपुर से कौन जीतेगा, चाचा या चिराग? चिराग जीतेगा। चिराग जीतेंगे। चिराग जी का काम अच्छा लगता है? हाँ। चाचा का काम अच्छा नहीं लगता है? चाचा का भी अच्छा है मगर जीतेगा चिराग। हाँ। अच्छा आइए, इधर भी और कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा सर आप, पशुपति कुमार पारस या चिराग कौन पसंद है? हम पशुपति के हम नहीं जानते, हम चिराग को जानते हैं। चिराग को? पशुपति के क्या, कौन जाता था? ये अभी रामविलास पासवान जो डेट करने से पहले, मरने से पहले आए पर थोड़ा सा उनको टीका चंदन लगा दिए और उनके नाम से जीत गया। पशुपति पारस को कोई नहीं जानते थे हम लोग, हाजीपुर में कोई हम लोग नहीं जानते थे। ये चिराग पासवान हम लोग नवयुवक नेता है और ये इन्हीं को हम लोग समर्थन करना चाहते हैं। चिराग को समर्थन? चिराग ही है। सीएम के रस्म किसको देखते हैं, तेजस्वी या चिराग? अभी सीएम को इसको हम इतना नहीं बता सकते, दिमाग में होगा ना किसको चुनना है। इसको नहीं, छोड़िए इसको, नहीं बोलिएगा, मतलब दोनों में से कोई ऐसा ही है, छोड़िए ना ये सब। अच्छा और कुछ लोग उनसे भी हम जानना चाहें। अच्छा ये बताइए सर कि पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा है वो बेहतर है या चिराग पासवान बेहतर है? चिराग पासवान। चिराग पासवान मतलब हाजीपुर से चिराग पासवान जीत जाएंगे इस बार? उम्मीद तो है, उम्मीद है। अच्छा ये बताइए सीएम का अगर रेस में अगर चिराग पासवान एक तरफ एक तरफ तेजस्वी यादव, किसको चुनिएगा? चिराग। चिराग को ही चुनिएगा, तेजस्वी यादव को नहीं चुनिएगा? नहीं। चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? अरे अभी दोनों शिक्षित हैं तो दोनों ठीक है। दोनों शिक्षित तो दोनों ठीक है, मतलब कोई बन जाए दोनों? हाँ कोई बन जाए। अच्छा ये आप बताइए सर किसको चुनिएगा? अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, आने दीजिए समय, आने दीजिए समय, आने दीजिए समय, आने दीजिए। हाँ। अच्छा 24 में हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे या चिराग जीतेंगे? हाजीपुर के बारे में हमको मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा नेता कौन है, चिराग पासवान या उनके चाचा? अब देखिए ना कौन आ रहा है, हवा किसका चल रहा है। आपको होगा ना कौन सा अच्छा है? चिराग पासवान ही आएगा। चिराग पासवान। आपको? चिराग ही। चिराग ही चाहिए ना। तो यहाँ पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया को आप लोगों ने सुना। सभी लोगों का कहना है, मतलब 98% लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चिराग जो है वो बेहतर है और सीएम के भी रेस में लोग चिराग को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें YouTube पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।